सड़कों पर जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये भीड़ एक मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने आए बीएमसी की टीम के विरोध में जुटी है। इलाका मुंबई के धारावी का है। धारावी में इस जगह का नाम है साई बाबा नगर और सामने दिख रही सफेद रंग की मस्जिद का नाम है महबूबे सुभानी, जिसे लेकर आज शनिवार को बहुत बड़ा विवाद हो गया। मस्जिद के अवैध हिस्से पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई के लिए पहुंची बीएमसी की टीम को रोक दिया, सड़क जाम कर दी, यहां तक कि बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। हालात तो काबू में है लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। लोगों का आक्रोश देखकर बीएमसी ने मस्जिद के लोगों को 8 दिन का समय दिया है। इस दौरान बीएमसी कार्रवाई नहीं करेगी। 8 दिन की मोहलत देकर बीएमसी की गाड़ियां धारावी से लौट गई हैं। वहीं मामले को लेकर मुस्लिम समाज अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या कुछ आज मीटिंग? आज 6 दिन का, 6 से 8 दिन का टाइम दिया है। अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट का हम लोग स्टे लेंगे बस। आगे आपका कोर्ट जाने वाले? हाँ, आज ही हम लोग मुंह करेंगे। अब हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग करके लेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि धारावी की इस मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। मुंबई की धारावी स्थित इस मस्जिद का नाम महबूबे सुभानिया है, जो 60 साल से ज्यादा पुरानी है। मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है। 3 मंजिल से बढ़ाकर मस्जिद 4 मंजिल की गई। 3 साल पहले से काम चल रहा था और अब जाकर मस्जिद पूरी तरह से तैयार है। 2 साल पहले भी मस्जिद को लेकर नोटिस भेजा गया था। मस्जिद से जुड़े लोगों की माने तो बारिश के मौसम में यहां बारिश का पानी आ जाता था, इसी वजह से मस्जिद की रिपेयरिंग का काम किया गया। फिर आसपास से ज्यादा लोग आने की वजह से यहां 1 मंजिल का और निर्माण कर दिया गया। इस 3री मंजिल के निर्माण के बाद बीएमसी ने नोटिस भेज दिया। फिर बीएमसी की टीम एक्शन के लिए पहुंच गई और फिर विवाद बढ़ गया। वहीं धारावी में फैले तनाव को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मस्जिद विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की पार्टी पर हमला किया है और कहा कि लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धारावी में अनधिकृत मस्जिद बनाना, बढ़ाना, लैंड ग्रेबिंग करना, लैंड जिहाद को, और जब सरकारी कर्मचारी अनधिकृत बांध काम तोड़ने के लिए आते हैं तो मुस्लिम समाज को उकसाना, दंगा फसाद करने का काम उद्धव ठाकरे, सेना और कांग्रेस के नेता करते हैं। अरे अरविंद सावंत खुद भिंडी बाजार में भाषण में कहते हैं कि मस्जिद की फैसला डबल करनी चाहिए, कार्रवाई होगी ही। वही मामले को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे से मुलाकात की और कहा कि लोग शांति बनाए रखें, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। सब शांतता मांग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांतता पूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगित मिली और सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है, सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे और एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं। फिलहाल तो धारावी में शांति नजर आ रही है लेकिन यहाँ फिजाओं की तासीर गरमाई हुई है, जिस पर सियासत की भी नजर है। बता दें कि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मस्जिद का मुद्दा चुनावी माहौल को और गरमा सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.